जेएलपी का फुल फॉर्म होता है जॉइंट लाइफ पॉलिसी। इसमें आपको मैं बताने वाला हूं व्हाट इज जेएलपी, जॉइंट लाइफ पॉलिसी। मेंबर्स की, पार्टनर्स जो भी है उनकी सबकी मिला के एक पॉलिसी लिए, उसको हम बोलते हैं जॉइंट लाइफ पॉलिसी। अब इसमें आपको एक बात समझनी है, उसको एक्सपेंस ट्रीट करना है या एसेट ट्रीट करना है। सबसे पहले आपको क्या दिमाग में लेना है, उसको एक्सपेंस ट्रीट करना है या एसेट ट्रीट करना है। अगर आप उसको एक्सपेंस ट्रीट करते हो तो पीएनएल में दिखाएंगे, और असेट ट्रीट करते हो तो बैलेंस शीट में दिखाएंगे। असेट ट्रीट करते हो तो बैलेंस शीट में दिखाएंगे, एक्सपेंस ट्रीट करते हो तो पीएनएल। अब ऐसा है कि पूरा असेट में नहीं दिखाते, जितना प्रीमियम है पूरा असेट में नहीं दिखाते, एक्सपेंस में तो पूरा प्रीमियम किधर, एक्सपेंस में तो पूरा प्रीमियम किधर दिखाएंगे, पी एंड एल में। लेकिन जब असेट दिखाते हैं तो जो उसकी सरेंडर वैल्यू है वही सिर्फ आप असेट में दिखाओगे। हर साल प्रीमियम भरोगे, हर साल आपको सरेंडर वैल्यू दिखेगी। पहले जैसे 900 थी सपोज फर्स्ट ईयर में, फिर हो गई सपोज करो 2000 रुपये, तो इस साल में सरेंडर वैल्यू कितनी बढ़ी। हाँ, तो यहां पे प्रीमियम माइनस इंक्रीज इन सरेंडर वैल्यू, प्रीमियम माइनस इंक्रीज इन सरेंडर वैल्यू कहां पे दिखाएंगे, पी एंड एल इंक्रीज वाली। फिर सपोज अब हो गई 3000, तो 2000 पहले ही दिखा चुके, अब आएगा 1000। फिर सपोज 3600 हो गई, तो 3000 ऑलरेडी एसेट में है ही, अब सिर्फ कितने से बढ़ाना है, 600। तो जो भी जितने से भी सरेंडर वैल्यू बढ़ रहा है, प्रीमियम माइनस इंक्रीज इन सरेंडर वैल्यू। अब सपोज इसके पहले 0 है तो कितने से बढ़ी, 900, तो यहां पे आएगा 900 और प्रीमियम आपके पास रहेगा। तो हम ये किधर दिखा रहे हैं, एसेट में, और बचा हुआ कहां पे दिखाना है, पी एंड एल। आई बात समझ में, क्लियर हुआ, ये समझ में आया। ये पूरा पी एंड एल में, असेट के केस में सरेंडर वैल्यू जितनी बढ़ रही है उतना असेट में, बाकी पूरा पी एंड एल। आई बात समझ में, कोई डाउट, कोई दिक्कत, समझ में आ गई हो, चलो लिख के ले लो ये एक बार, फिर उसके बाद बताता हूं। जब आपने इसको एज ए एक्सपेंस दिखाया है, और या तो फिर ये टुकड़ा भी किधर गया, एक्सपेंस में, पी एंड एल में खर्चा, तो अल्टीमेटली इसका भुगतान किस पे आया, पार्टनर्स पे आया। किस पे आया ये, पार्टनर्स पे। तो इस पे अधिकार किसका है, पार्टनर्स का। इसका इस पे अधिकार किसका है, पार्टनर्स का। ठीक है, अधिकार किसका है, पार्टनर्स का। अब आपने इसको एज अ एक्सपेंस दिखाया हो, क्या किया हो, रिटायरमेंट हो रहा है, क्या हो रहा है, रिटायरमेंट पे आप दो चीजें करोगे। एक मिनट, सबसे पहले एंट्री बताइए प्रीमियम पेमेंट की, जेएलपी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक, और सेकेंड एंट्री हो रही है पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू जेएलपी प्रीमियम। कोई दिक्कत किसी को, इस केस में पहली एंट्री क्या हो रही है, डेबिट टू बैंक, एंड दूसरी एंट्री पी एंड एल अकाउंट डेबिट जेएलपी मतलब असेट अकाउंट डेबिट टू जेएलपी प्रीमियम। एंट्रीज लिख के लो,
हो गया क्या, समझ में आया? इंटरेस्ट ये होती है जब हम प्रीमियम भरते रहते हैं हर साल। अब बात क्या आ रही है, देखो रिटायरमेंट हो रहा है, एक्सपेंस वाले पार्ट में समझो पहले क्या हो रहा है, रिटायरमेंट हो रहा है, पॉलिसी का पैसा पूरा कब मिलता है, मैच्योरिटी पे या डेथ में। लेकिन अब रिटायर हो रहा है तो पूरा पैसा नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा, सरेंडर वैल्यू। एक आप सरेंडर वैल्यू कैश में ले लेते हो, ठीक है, एक सरेंडर वैल्यू आप कैश में लेते हो और एक आप सरेंडर नहीं करते, दोनों ऑप्शन आपके पास है। देखो हम क्या करते हैं, उस पार्टनर को बुलाते हैं, तू बोल रहा है ना तेरा भी हिस्सा है तो अभी तेरे को मिलेगी सरेंडर वैल्यू। अगर हम सरेंडर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, सरेंडर वैल्यू करेंगे। अगर मिडल में हम सरेंडर करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, सरेंडर वैल्यू। फर्म को लग रहा है कि सरेंडर कर देंगे, कैश आएगा जो बांट लेंगे तो बांट लेंगे। फर्म को लग रहा है बाकी पार्टनर्स को अपन सरेंडर क्यों करें यार, नुकसान है, अपना प्रीमियम इतना भर दिया और अपने को पैसा नहीं मिल रहा है। तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, देख अगर हम सरेंडर करेंगे तो सपोज कर 10,000 रुपये आएंगे, 10,000 में 2,000 तेरा है, तो वो 2,000 हम तेरे को दे देते हैं, वो हजार 2,000 हम तेरे को दे देते हैं, कर सकते हैं ना ऐसा। तो इस केस में एंट्री सिंपल एज गुडविल, सिंपल एज गुडविल। क्या है हमारी गुडविल की एंट्री, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइजिंग पार्टनर कैपिटल। ओके सिंपल, गुडविल में आपको सिखाया मैंने गेनर टू सैक्रिफाइजर। सरेंडर करते हो तो अच्छी बात है, पैसा आ गया बैंक अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल इन ओल्ड रेशियो, कोई दिक्कत नहीं, सरेंडर कर दे तो ये हो जाएगा। देखो एक्सपेंस था, खर्चा माना, अब ये फायदा ही मानो क्योंकि एक बार खर्चा बुक कर सकते, तो जो भी अब आया ये क्या एक तरह से फायदा, फायदा किसको जाएगा, ओल्ड पार्टनर्स। लिख के ले लो, रिटायरमेंट में आप एक सरेंडर करोगे एक नहीं करोगे, एक सरेंडर करोगे एक नहीं करोगे। हो गया, तो सिंपल बात, सरेंडर नहीं कर रहे हैं हम, उसको क्या बोल रहे हैं, तेरा जो हिस्सा सरेंडर वैल्यू में है वो हमसे ले लेना, तेरे को तो तेरा पैसे से मतलब है, तो हम सरेंडर नहीं करते तो गेनर टू सेक्रीफाइस। आया दिमाग में? अब हम असेट वाले पार्ट में अगर रिटायर कर रहे हैं, ठीक है, मैं डेथ का अभी तक नहीं बताया आपको, डेथ तो बहुत सिंपल ही है, रिटायरमेंट, ठीक है, रिटायरमेंट में भी दो बात है, वापस असेट मानते हो तो भी दो बात ही है, एक सरेंडर करोगे एक नहीं। एक सरेंडर कैश में, एक सरेंडर असेट माना है ना, क्या माना आपने, असेट, तो असेट माना है तो देखो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है या घट रहा है, क्या देखो आप, बढ़ रहा है या घट रहा है, जेएलपी बढ़ रहा है या जेएलपी घट रहा है, कुछ तो होगा ना वैल्यूएशन में, उस समय कुछ तो होगा। सरेंडर नहीं करते हैं तो ट्रीट इट एज अ नॉर्मल असेट, अपवर्ड या डाउनवर्ड, लेकिन इसमें तो डाउनवर्ड होता ही नहीं, जेएलपी क्या होगी, अपवर्ड ही होगी, क्या होगी, तो जेएलपी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, और रिवैल्यूएशन अल्टीमेटली वैसे ही किसको जाता है, पार्टनर्स को। जैसे असेट बढ़ता है तो हम यही एंट्री पास करते हैं ना, हाँ, तो जेएलपी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। और देखो जो इससे बड़ा है उतना पार्टनर्स के पास चला जाएगा ना, जो है वो चला जाएगा पार्टनर्स के पास, आई बात समझ में, और नहीं बड़ा तो नहीं जाएगा। सरेंडर करते हो मतलब असेट खत्म हो गई आपकी,
तो क्रेडिट होगी, असेट खत्म हो गई, सरेंडर कर दी मतलब जेएलपी खत्म, पैसा आया बैंक अकाउंट डेबिट। फिर अगर कुछ एक्स्ट्रा बचा टू ओल्ड पार्टनर्स, कुछ एक्स्ट्रा बचा तो ओल्ड पार्टनर्स, कोई डाउट? यस, सेम यही एंट्री आएगी डेथ में, यही एंट्री आएगी डेथ में, लेकिन अमाउंट क्या होगी? पॉलिसी अमाउंट, पूरा पैसा मिलेगा। इधर क्या मिल रहा था? सरेंडर मिल रहा था। क्या मिल रहा था? सरेंडर मिल रहा था। अब क्या मिलेगा? पॉलिसी अमाउंट। एंट्री यही होगी, असेट मानते हो या एक्सपेंस मानते हो, देख लो सबसे पहले। इधर भी एंट्री यही होगी, बस अमाउंट पॉलिसी आएगी, एंट्री में कोई चेंजेस नहीं, अमाउंट क्या आएगी? पॉलिसी अमाउंट। समझ गए हो? कोई डाउट है इसमें अब? हाँ, तो सिंपल है, इतना सा तो है, का है ज्यादा, कुछ है ज्यादा नहीं ना, क्या है? तो बस एंट्री सेम ही हो गई डेथ में, क्योंकि डेथ में सर अपने आप ही वो मैच्योर हो गई, सरेंडर सरेंडर नहीं करने का तो सवाल ही नहीं है, पैसा आएगा, पैसा आएगा, आएगा, दिमाग में बात। चले आगे, तो अभी आप लोग आइए, 7th नंबर क्वेश्चन, क्या 8th नंबर कौन सा है वो? सेवन, इलुस्ट्रेशन 7, रेड व्हाइट एंड ब्लैक शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन 532, दे टू अ जॉइंट लॉस पॉलिसी इन 2016 फॉर 50,000, अ प्रीमियम उसकी 3 बिन एनुअली पेड ऑन 10th जून, द सरेंडर वैल्यू ऑफ द पॉलिसी ऑन 31 ऑफ वेरियस ईयर, 16 की नील है, 17 की 900 है, 18 की 2000 है, 19 की 3600 है, ब्लैक रिटायर्स ऑन 15 अप्रैल, प्रिपेयर लेजर अकाउंट अज्यूमिंग नो जेएलपी अकाउंट इज मेंटेन, नो जेएलपी मतलब असेट नहीं मानते, क्या मान रहे हैं? एक्सपेंस मान रहे, तो कौन से लेजर बनाओगे? एक एक जेएलपी प्रीमियम अकाउंट बनाओगे और एक पीएनएल अकाउंट बनाओगे, एक जेएलपी प्रीमियम और एक पीएनएल। एंट्री सुनो, जेएलपी प्रीमियम टू बैंक, बरोबर, जेएलपी प्रीमियम टू बैंक, और एक पी एंडल अकाउंट डेबिट टू जेएलपी प्रीमियम, कितनी है प्रीमियम? 3,000, 3,000, 3,000, 3,000, क्योंकि एक्सपेंस मान ही नहीं रहे, तो पूरा का पूरा, सॉरी, असेट मान ही नहीं रहे, पूरा का पूरा किधर जाएगा? पी एंडल एक्सपेंस में। करो ये एंट्रीज, कितने साल तक आओ बताऊं कि आपको? 16, 17, 18, 19, 16, 17, 18, 19, और उसके ईयर एंड में किधर चले जाएगी चीज? देखो 10th जून को भर रहे, कॉलम्स बनाओ प्रॉपरली, बनाइए लेजर्स, हर एक 10 तारीख को ये एंट्री होगी, ये कब होगी? हर एक 10th जून ऑफ एवरी ईयर, और ये कब होगी? 31 दिसंबर ऑफ एवरी ईयर, 31 दिसंबर ऑफ एवरी ईयर। चलो ये 4 साल 2019 तक एंड करो, इसमें वो लेजर पोस्टिंग करो 2019 तक की, सिंपल सोबर क्वेश्चन है। हाँ, अब बात क्या हुई? रिटायर हुई, क्या हुआ? रिटायर, तो रिटायर में मैंने आपको बोला है, दो कंसेप्ट बताया है, एक सरेंडर करेंगे एक नहीं करेंगे, लेकिन जब कुछ नहीं बोला है तो हम क्या करेंगे? सरेंडर कर देंगे, विषय रखेंगे नहीं। एंट्री आई, बैंक अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर, इन्होंने क्या किया बताया क्या? एंट्री में
बैंक अकाउंट टू जेएलपी, फिर वापस जेएलपी को डेबिट कर दिया टू ओल्ड पार्टनर्स। तो हम एक ही कर देंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू जेएलपी, और किस रेशियो में बांटना है? ओल्ड पार्टनर्स। किस रेशियो में बांटना है? ओल्ड रेशियो। किस रेशियो में बांटना है? ओल्ड रेशियो। क्लियर हुआ ये कंसेप्ट? कोई डाउट इस पे? यस बच्चों, कोई भी दिक्कत? हर्षिता, क्लियर समझ में आया? अब हम करते हैं एज अ एसेट एक क्वेश्चन, एज अ एसेट। चलिए, सबसे पहली तारीख क्या है? 10 जून 2016, टू बैंक। हम अब जेएलपी को क्या मानने वाले हैं? असेट। क्या मान रहे हैं अब इसको? अब हम असेट, क्योंकि इन्होंने बोला है असेट मानना है। कितनी है प्रीमियम? 3000। 31/12/16 बाय 31/12/16 बाय पी एंड एल, क्योंकि सरेंडर वैल्यू है जीरो, तो इस साल हम असेट के तौर पे कुछ दिखा नहीं पाएंगे, तो पूरा का पूरा जाएगा पी एंड एल अकाउंट। तो ये हो गया आपका एक ईयर क्लोज। अगले साल 10 जून 2017 टू बैंक, वापस वही 3000। हाँ, और पी एंड एल में आप कितना डालेंगे? सरेंडर वैल्यू हो रही है क्या कुछ? कितनी है? तो देखो, मैंने आपको बताया था 3000 माइनस इंक्रीज इन सरेंडर वैल्यू कितनी हो गई? 900। तो 2100 जाएगा पी एंड एल में, और बचा हुआ 31/12/16/17 को जाएगा किधर? बैलेंस कैरी डाउन। तो ये कितना आ गया? 900। फिर ये 1/18 टू बैलेंस बोरो डाउन कितना हुआ? 900। फिर वही बात, 10 जून 2018 टू बैंक कितना हुआ? बैंक 3000। ठीक है, 3000। अब देखो, 31/12/2018 की बाय बैलेंस, अगर ऐसे आपको लगे ना कि क्या लिखे यार, पी एंडल में गड़बड़ होगी हमारे से, गड़बड़ होगी हमारे से पी एंडल में, तो क्या करने का? गलती से भी लगे, ऐसे तो हम दोनों तरीके से निकाल सकते, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन गलती से भी लगे तो सबसे पहले देख लो ना कैरी डाउन बैलेंस कितना है। ये 2000 इधर डाल दो, और फिर बचा हुआ पी एंडल में डाल दो। कितना हुआ? 19। और अगर मैं बताने गया कैसे, 3000 माइनस इंक्रीज कितना हुआ? पहले 900 था, अब 2000 हुआ, कितना से इंक्रीज हुआ? 1100 से। बरोबर है? यस। फिर वापस 1 जान 2019 की वैल्यू क्या हो गई? बैलेंस बोरो डाउन 2000। फिर टू बैंक वही चीज सेम 3000। 1 जून 2019, फिर 31/12/19 बाय बैलेंस कैरी डाउन कितना दे रही है बेटा सरेंडर वैल्यू? इन्होंने 19 में सरेंडर वैल्यू कितनी दे दी? 3600। तो बाय पी एंड एल अकाउंट 1400। बाय पी एंड एल अकाउंट कितना आएगा? 1400। बाय पी एंड एल अकाउंट कितना आएगा? 1400। कैसे? हाँ, डायरेक्ट कर सकते हैं ना, इससे हम एक्सपेंस में डाल रहे हैं, हम पहले उसको जेएलपी में डाल रहे हैं और फिर जेएलपी का एक टुकड़ा पी एंडल में डाल रहे हैं और एक असेट। उधर क्या बोला था? एक प्रीमियम, प्रीमियम से एक एक्सपेंस में पी एंडल में और एक जेएलपी में। इधर हम एक जेएलपी बना रहे हैं, जेएलपी से एक एक्सपेंस, फर्क कुछ नहीं पड़ता है, इफेक्ट वही आ रहे ना। हाँ, उसमें बढ़ जाएगा अपना काम, बढ़ जाएगा। कैसे होगा कम? प्रीमियम अकाउंट बनाएगी,
पीएनएल में तेरे को उधर से एक पीएनएल में भेजेगी और एक जीएलपी में भेजेगी, फिर जीएलपी अकाउंट और बनाएगी, कैरी डाउन बताना तो पड़ेगा ना। अरे बेटा ये देख, अगर जीएलपी प्रीमियम बनाएंगे अपन तो जेएलपी प्रीमियम अकाउंट भी कर सकते हो, नहीं तो डायरेक्ट आप जेएलपी अकाउंट के थ्रू एक एक्सपेंस में डाल सकते हो और एक असेट में। मतलब ये इन शॉर्ट, पहले उन्होंने उससे पूरा असेट माना, फिर पता चला असेट नहीं है तो पूरा पीएनएल में चला जाएगा, और असेट है तो वो कैरी डाउन होता रहेगा। या यहां तक क्लियर हुआ? चलो 2019 तक विषय क्लोज हुआ, 1 जान 2020 टू बैलेंस बोरो डाउन कितना हुआ? 3600। कितना हुआ बैलेंस बोरो डाउन? 3600। अब क्या बोला है रिटायर, हमको क्या करना है? कुछ नहीं बोला है तो सरेंडर करना है, तो एंट्री बताओ क्या है? बैंक टू जेएलपी। और कुछ एक्स्ट्रा मिल रहा है क्या 3600 से? नहीं, तो एंट्री क्या आएगी? बैंक टू जेएलपी। तो यहां पे आएगा क्या तारीख है? 15 अप्रैल ना, 15 अप्रैल 20 बाय बैंक 3600 खत्म। देखो पहले पार्टनर को 3600 मिला था, जब हम एक्सपेंस मान देते तो पार्टनर को 3600 मिला, लेकिन हम उसको अब असेट अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं तो ये 3600 पार्टनर को मिला क्या? नहीं मिला। इसका रीजन सुनिए, पहले ये भुगतान भी किसने किया 3600 का, और ये पार्टनर्स को भुगतान करने की जरूरत पड़ी नहीं इतने की, क्योंकि देखो ना इसमें पीएनएल में कितना जा रहा है, 900 1900 1400, तो थोड़ा थोड़ा तो पार्टनर ने भुगतान किया क्या? जबकि उस केस में पूरा पीएनएल में 3000 जा रहा है, सेवंथ वाले इलस्ट्रेशन में पूरा 3000 पीएनएल में जा रहा है, मतलब पार्टनर को ही जा रहा है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पार्टनर्स को गया नहीं, तो इसके लिए यहाँ पे आया बैंक टू। हाँ अगर कुछ और एक्स्ट्रा मिलता उस तारीख को तो पार्टनर्स को दे देते, एंट्री क्या आती? बैंक जेएलपी टू पार्टनर्स। तो मैंने आपको ढांचा जिस तरह लिखा आया है उसको 2 3 4 बार देखो, 2 3 बार देखोगे तो ऑटोमेटिक प्रैक्टिस हो जाएगी। तो दिस इज ऑल अबाउट द कंसेप्ट ऑफ जेएलपी।